नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, क्या खबरें निकल के सामने आ रही है कृषि फसल को लेकर कि किस कृषि फसल के अंदर क्या फंडामेंटल्स है, कितनी मनी तेजी आगे देखने को मिल सकती है और जानेंगे उस पर हमारे एक्सपर्ट की राय। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कि कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6,88 पर है आधे फीसदी की करेक्शन के साथ, और कैसे सीड का नवंबर वायदा 6188 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। उस कैसे सीड के नवंबर वायदे के अंदर भी एक हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज शाम की कारोबारी सत्र में कैसे सीड के वायदा बाजार में अक्टूबर और नवंबर वायदा दोनों में ही हल्की हल्की करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल कैसे सीड की जो फंडामेंटल्स है मजबूती की ओर है ही, तो अभी हाल फिलहाल में जो इमीडिएट बेसिस पे जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो रहेंगे 6,200 के लेवल के आसपास, और जो फंडामेंटली की बात करें तो अगर तो फंडामेंटल मजबूत है, आगे एक्सपोर्ट डिमांड भी ठीक ठाक है और डोमेस्टिक डिमांड भी कैसे की ठीक ठाक देखने को मिल रही है, और ऊपर से इसका जो सोइंग है कम है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम रहने का अनुमान है, तो कैसे सीड का ओवरऑल आउटलुक अभी हाल फिलहाल में पॉजिटिव ही है। बात करें यहाँ से अगर आप चने की, तो चने का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 4,940 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.5% की गिरावट के साथ। दरअसल चने की कीमतें वायदा में तो थोड़ी कम है, लेकिन बात करें अगर हाजिर मंडियों की स्पॉट मार्केट की, तो हाजिर मंडियों में चने की कीमतें ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं, कोई ज़्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। अभी व्यापारियों को ऐसी उम्मीद है कि जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, त्योहारी सीजन है, दिवाली भी है, तो चना और चने से बने उत्पादों में अभी तेजी की उम्मीद है, जिसकी वजह चने का जो बाजार है थोड़ा बहुत उछलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जो तेजी होगी ज़्यादा भी इतना भी तेजी नहीं होगी कि बहुत ही ज़्यादा तेजी आती हुई नज़र आए, MSP के आसपास ही बना रहेगा, MSP से ज़्यादा नीचे नहीं लुढ़केगा। बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2,537 पर है 0.25% की करेक्शन के साथ। आज देख रहे हैं कि बिनौला खल की जो कीमतें हफ्ते के पहले कारोबार दिन शाम के कारोबारी सत्र में 0.25% की करेक्शन के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनके अंदर हम एक सीमित दायरे में कारोबार देख रहे हैं। हालांकि बिनौला खल की कीमतों को हमने 2,200-2,300 तक के भी लेवल टच करते हुए देखे हैं नीचे में, लेकिन वहां से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए, वहां से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया है। और अब जैसे कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बिनौला खल का जो वायदा बाजार है वो भी उठता हुआ नज़र आ सकता है। बिनौला खल की भी कीमतों में निचले स्तर से एक खरीदारी एक बार फिर से निकल के सामने आ सकती है। बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 8,024 पर है हल्की सी करेक्शन के साथ, जीरे का अक्टूबर वायदा 14,530 पर है 0.25% की तेजी के साथ, और हल्दी की बात करें तो हल्दी का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 7,230 पर है हल्की सी तेजी के साथ। देख रहे हैं कि आज धनिया और जीरा जो है ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। जीरे की कीमतों में अभी बता रहे हैं जो जानकार हैं कि एक निर्यात मांग निकल के सामने आई, जीरे के साथ साथ मसालों की, बागी मसालों की भी कुछ हल्की निर्यात मांगें जो खाड़ी देशों से निकल के सामने आई, जिसकी वजह से हमने मसालों की कीमतों में आज एक हल्की बढ़त आते हुए देखी है। बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 10,485 पर है 4% की तेजी के साथ, और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5,961 पर है 2.5% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर आज शाम के कारोबारी सत्र में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, जो कि हमें बताएंगे कि आज किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और कृषि फसलों का वायदा बाजार आगे जाके कैसा देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा 8,265 पर है 0.25% की करेक्शन के साथ। हम देख रहे हैं कि सरसों का जो वायदा बाजार है अब लगातार कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें यहाँ से अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1,351 पर है 0.25% की तेजी के साथ, और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5,490 पर है 4.5% की करेक्शन है आज सोयाबीन के अंदर। देख रहे हैं कि आज खाद्य तेल का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले खाद्य तेलों पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले खाद्य तेलों में बात करेंगे यहाँ पे सरसों से, तो सरसों देख रहे हैं कि 8,200 के लेवल्स पर आ चुका है। सरसों की कीमतों में हमने 8,800-8,900 तक के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं। सरसों की कीमतें काफ़ी अच्छी खासी तेजी के साथ
उछलती हुई नज़र आई थी, लेकिन फिर सरसों में वायदा बाजार के अंदर स्पेकुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती रही। और फिर दूसरा, सरसों की जो पेराई है ज़्यादातर देखने को मिल चुकी है और ज़्यादातर पेराई मिलें बंद भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सरसों की जो कीमतें हैं उन पर एक हल्का दबाव भी देखा गया था। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक भी कुछ अब ज़्यादा नहीं बचा है। किसानों के पास जो सरसों का जो स्टॉक है वो लगभग 14 से 15 लाख टन का ही बचा हुआ है। तो आज शाम के कार्रवाई सत्र में एडिबल ऑयल पैक में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, देख रहे हैं कि जैसा कि आपने पहले ही बता दिया था हमें कि जो सरसों है, सरसों की कीमतें और नीचे जाती हुई नजर आएंगी। हम देख रहे हैं कि आज वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सरसों की जो कीमतें हैं 8200 के लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मार्केट में मंडियों में स्टॉक कम है और फसल आने में भी अभी टाइम है, तो क्या सरसों की कीमतों में अभी और गिरावट आ पाएगी? देखिए, सरसों की अगर बात करें तो सरसों में हमें लगता है कि अभी जिस तरीके से सेबी ने नई पोजीशन लेने से सर्कुलर जारी किया है, हमें लगता है कि थोड़ा सा पहले सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह से हमें देखा है कि मंडियों के अंदर एक लंबी देखने को मिली है और हमें लगता है कि अभी जो है भाव और नरम रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो जो कैरी ओवर स्टॉक है, जो स्टॉक है मंडियों में काफ़ी ज़्यादा है, और हमें लगता है कि उसके चलते कहीं ना कहीं हम सरसों के अंदर एक नरमी का ट्रेंड आते हुए देखेंगे। जो डिमांड थी वो लगता नहीं कि उतनी ज़्यादा देखने को मिली, हमें लगता है कि अभी और भाव नरम रह सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि जो लेवल से नीचे करीबन 8200 तक के लेवल को छू सकते हैं, और आगे भी हम देखेंगे कि जब नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट होगी जनवरी फरवरी में, तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। मगर फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो हमें लग रहा है कि भाव कुछ नरम की तरफ फेस कर सकते हैं। जी, ये सनु जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि 4% से ज़्यादा के लोअर सर्किट लग चुके हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन की फसलें भी खराब हो रही हैं और जो स्टॉक है वो भी अब कम है, लेकिन जो सोपा का नया सर्वे आया है, सोपा के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, उसमें ये निकल के सामने आया है कि सोयाबीन का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% ज़्यादा रह सकता है, 119 लाख टन के अराउंड रह सकता है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन के उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं और भारी वर्षा की वजह से सोयाबीन की फसलें खराब हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सोयाबीन की कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए, सोयाबीन में नई क्रॉप की आवक आती भी दिखाई दे रही है और आगे भी आवक बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। आवक का प्रेशर सोयाबीन पे आता हुआ दिखाई देगा और क्रॉप भी इस बार पहले के मुकाबले अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल नकली का रुख भी बना रहेगा सोयाबीन में और भाव नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेक्टेड है नीचे भाव करीबन 5200 से लेकर 5100 रुपये तक की रेंज में आ सकते हैं, तो सोयाबीन के भावों में भी नकली का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ये सनु जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आपने पहले ही बता दिया था कि ग्वार की कीमतों में अभी तेजी आ सकती है। जब आपसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी पिछले इंटरव्यू के दौरान, आपने कहा था कि ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी, वो तेजी हम देख रहे हैं। आपने जो लेवल दिया था 10,500-10,600 का ग्वार गम का, आज वो लेवल अचीव हो चुका है, और ग्वार सीड का भी जो आपने लेवल दिया था 6,000 का, आज आपका वो लेवल भी अचीव हो चुका है। तो अब आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन आगे कम रहने की जो प्रेडिक्शन है वो बताई जा रही है, तो अब ग्वार की कीमतों में आगे तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, ग्वार गम के भावों में हमें लगता है कि तेजी का रुख रहेगा। यहाँ पर आज हमने अच्छी रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। हमें लगता है कि जिस तरह क्रूड के भाव ऊपर आए हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी यहाँ देखने को मिली है, साथ में देखें तो राजस्थान में जो बारिश हुई है उसके क्रॉप को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड के भाव करीबन 6,200 जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और ग्वार गम के भाव करीबन 10,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 10,800 अगर ब्रेक करेगा मार्केट को, हम फिर 11,000 के ऊपर के लेवल भी आते हुए देखने ग्वार गम में। एक्सपोर्ट भी इस बार पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि जो फंडामेंटल सेक्टर है वो काफी सपोर्टिव है और टेक्निकल कॉन्टिन्यूटी में ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में आगे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर खिलाड़ी का ट्रेंड रखना चाहिए। जी, ये सनु जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि जीरा और धनिया आज ठीक ठाक कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में इन दोनों की कीमतों में और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल स्पाइसिस के अंदर, मसालों के अंदर हमने निर्यात मांग के काफी अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा है, और हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा मोमेंटम इसमें आया है पॉजिटिव साइड में।
हमें लगता है कि इस हफ्ते भी एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फेस्टिवल डिमांड भी है। हमें लगता है कि जीरा टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जीरा ऊपर एक्सपेक्टेड है 14,900 और टर्मरिक में करीबन 7,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कोरिएंडर के अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि 8,000-7,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। आवक अभी जो है वो कम है, इस तरीके से डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट रहेगा और यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह रहेगी जी। ये सर जी, बात करें अगर चने की तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में चना और दलहन बाजार कैसे रह सकता है जिस हिसाब से अभी फेस्टिवल डिमांड है, फेस्टिवल सीजन है? चने में हमें लगता है ज्यादा तेजियां देखने को मिलेगी क्योंकि नई क्रॉप की आवक भी है और दूसरा जो बाकी दालें हैं वहां पर हमने नरमी का रुख देखा है, उनकी भी आवक आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि यहां पर अभी फिलहाल थोड़ा एक प्रेशर नहीं रहेगा या रेंज बाउंड रह सकता है, ज्यादा चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि अच्छी बारिश हुई है तो जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्यादा तेजी का व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर हमें लगता है कि भाव आने वाले समय में नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम लेवल वाइज भी देखें तो मुझे लगता है कि जो चने के भाव है वो आपको यहाँ से करीबन 300-400 रुपये करेक्ट होते हुए करीबन 4,800-4,700 तक के लेवल पर सुन सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस व्यू चलने की तरफ देखने को मिल सकता है जी। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी कृषि फसल होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? जी, ग्वार गम के अंदर ही खुदाई का ट्रेड बनाया जा सकता है। हमें लगता है कि ग्वार के भाव करीबन 6,200-6,300 तक, ग्वार गम में करीबन 11,000 तक के लेवल, और साथ में स्पाइसिस को ऐड किया जा सकता है जिसमें जीरा को खुदाई की तरफ ले जा सकते हैं जहाँ पर 15,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी वो कम्युनिटीज जिनके अंदर आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है और वो कम्युनिटीज जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। तो फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।